असल स्टूडेंट्स बेटा टुडे वी आर गोइंग टू लर्न केमिकल इक्विलिब्रियम लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स और कुछ प्रोसेस समझ लेते हैं जिसके थ्रू हमें ये समझना आसान होगा सो so, सबसे पहले आपके पास रिएक्शन जो है एक टर्म है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करेंगे रिएक्शन तो रिएक्शन क्या है ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर दो या तीन सब्सटेंस रिएक्ट करें और एक न्यू सब्सटेंस बना लें तो उसे आप क्या कहेंगे एक रिएक्शन या एक केमिकल रिएक्शन इन विच और सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्शन तो अगर आप इसकी डेफिनेशन की तरफ चले जाए सो वी विल राइट अ प्रोसेस इन विच A substance or substances react to form react to form. न्यू सब्स्टेंस इज कॉल्ड रिएक्शन तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर कोई सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है चाहे वो सब्सटेंस एक है दो है या तीन है और एक न्यू सब्सटेंस बना रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ यहाँ कार्बन बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज़ फॉर्मिंग कार्बन डाई तो आपके पास ये प्रोसेस क्या कहलाता है रिएक्शन बिकॉज यहाँ एक कार्बन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और आपके पास एक न्यू कंपाउंड बना है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ना केमिकली और फिजिकली ऑक्सीजन की तरह है ना ही ये कार्बन की तरह है डेट मीन्स केमिकली एंड फिजिकली दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन सो दैट मीन्स दो सब्सटेंसेस मिले और आपके पास एक न्यू सब्सटेंस बन गया तो उसे आप क्या कह रहे हैं अ रिएक्शन और अ केमिकल रिएक्शन ठीक है अच्छा अब जरा रिएक्शन की टाइप्स पे चले जाए कि रिएक्शंस कितने किस्म के होते हैं रिएक्शंस बेसिकली बेटा आपके पास दो टाइप्स के होते हैं एक रिएक्शन है आपके पास रिवर्सेबल uh, रिएक्शन और एक है आपके पास इ रिवर्सिबल ऑफ रिएक्शन ठीक है कि रिएक्शन की आपके पास कितनी टाइप्स हैं रिवर्सिबल एंड सो सबसे पहले बेटा वर्सेबल रिएक्शन एंड सेकेंड इज इिवर्सिबल रिएक्शन इ रिवर्सेबल रिएक्शन अच्छा अब इिवर्सिबल रिएक्शन कौन से हैं जैसे कि अभी मैंने एक रिएक्शन लिखा था कार्बन फॉर एग्जाम्पल वुड में है ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बर्न होता है और आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो ये इिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल है इ रिवर्सिबल मीन्स कि एक बार जो प्रोडक्ट बन गया वो आपके पास क्या है स्टेबल है और अब ये कंपाउंड चेंज नहीं हो सकता या ये कंपाउंड दोबारा जो है वो इन रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं हो सकता तो इसे आप क्या कहते हैं इ रिवर्सिबल रिएक्शन ठीक है ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके पास यहाँ जो सब्सटेंसेज हम लिखते हैं एरो के तो ये है आपके पास रिएक्टेंट्स और यहाँ पर जो सब्सटेंसेज आप लिखते हैं दीज आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स सो दैट मीन्स एरो के जो राइट right साइड पे हैं वो प्रोडक्ट्स होंगे जो लेफ़्ट साइड पे हैं आपके वो रिएक्टेंट्स हैं सो दैट मीन्स इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है वो रिएक्शन जिसमें दो तीन रिएक्टेंट्स एक बार मिलकर प्रोडक्ट बना दें वो प्रोडक्ट क्या होगा स्टेबल होगा और ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बना सकता लाइक कंबसन ठीक है लाइक बर्निंग ऑफ अ वुड ठीक है एक बार वुड को आप बर्न कर लें तो वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं की जा सकती अच्छा बेटा दूसरी तरफ आ जाते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की तरफ अब रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है वो रिएक्शंस जिसमें एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दें तो वो प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है फॉर एग्जाम्पल ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आई हैव नाइट्रोजन हेयर इट रिएक्ट्स विद आई हैव नाइट्रोजन हेयर इट रिएक्ट्स विद थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और ये प्रोड्यूस कर रहा है आपके पास टू मोल्स ऑफ अमोनिया ठीक है अब यहाँ पे होगा क्या नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और आपके पास क्या बन गया है अमोनिया बन गया है लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं एक चेंज यहाँ मैंने डबल हेडेड एरो लगाया है अब इसका मतलब क्या है एक बार ये दोनों रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और ये अमोनिया बनेगा ये अमोनिया क्या होगा बेटा दिस विल बी अनस्टेबल ये क्या होगा अनस्टेबल होगा और दोबारा ब्रेक डाउन होकर जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा सो दैट मीन्स के रिवर्सिबल रिएक्शन वो है जो कि दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन भी और रिवर्स भी फॉरवर्ड किसे कहते हैं ये रिएक्टेंस अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसे आप कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स किसे कहते हैं? दैट मीनस कि ये प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रीफॉर्म कर रहा है ओरिजिनल रिएक्टेंट्स तो वो रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों होता है उसे आप कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और इन रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा विच ओनली प्रोसीड इन वन डायरेक्शन तो ये चीज आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे कि रिवर्सेबल रिएक्शन क्या है जो कि दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं इन बोथ डायरेक्शंस प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन डेट मीन्स रिवर्स जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करते हैं और रिवर्स भी इसीलिए हम इसके लिए डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट इन रिएक्शन इट ओनली प्रोसीड्स इट ओनली प्रोसीड इन वन डायरेक्शन इट ओनली प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन दैट मीन्स की ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो फॉरवर्ड uh, जो है डायरेक्शन में प्रोसीड करता है आपने सीख लिया है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस क्या हैं तो ज़रा अपनी बुक की तरफ आ जाएं दैट इज़ योर पेज नंबर सिक्स एंड सेवन इंट्रोडक्शन में कुछ डिस्कशन है आपके पास यहाँ देखिएगा बेटा इंट्रोडक्शन में एक रिएक्शन के दर, बारे में डिस्कशन है अ कंप्लीट रिएक्शन इज़ वन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट्स एक कम्पलीट रिएक्शन वो है दैट मीन दैट इज़ योर ए रिवर्सबल रिएक्शन जिसको आप कम्प्लीट रिएक्शन भी कह रहे हैं कम्प्लीट रिएक्शन इज़ वन इन विच ऑल रिएक्टन्व बीन कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट जितने भी रिएक्ट हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट दोबारा जो है वो रिएक्ट्स में कन्वर्ट ना हो हाउ एवर मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस डू नॉट कम्प्लीट एंड अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टन्स आर फॉर्म इन सच रिएक्शन प्रोडक्ट री रिएक्ट टूगेदर टू रीफॉर्म रिएक्टन्स डेट मीन्स ये आपके पास इिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं कुछ ऐसे भी रिएक्शन हैं जो कि कम्पलीट नहीं होते कंप्लीट नहीं होते दैट मींस कि आपके पास एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दे तो आपके पास वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बना लेते हैं ठीक है तो उन रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं दैट इज़ योर रिवर्सिबल रिएक्शन अच्छा उसके बाद आ जाएँ दीज आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन और ये थोड़ा सा आप रीड कर लेंगे थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको दी गई हैं डेली लाइफ से ठीक है उसके बाद आ जाएं जी पेज नंबर सेवन के ऊपर आप ठीक है इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल रिएक्शन को इन्होंने क्या किया है कंबाइन किया है पर पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन सीखेंगे उसके बाद हम आते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है और इक्विलिब्रियम क्या है तो सबसे पहले यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ये आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं अबाउट द लिक्विड एंड वेपर्स ठीक है एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपके पास एक लिक्विड है वो एवोपरेट होकर वेपर की स्टेट में चला गया है और वो वेपर दोबारा रीकन्वर्ट होते हैं इन टू द लिक्विड कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू तो ये प्रोसेस जो है आपके पास चलता रहता है दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल ठीक है अच्छा इसके बाद डेफिनेशन आप देख लें डेफिनेशन क्या कह रही है? रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन री रिएक्ट टूगेदर टू फॉर्म ओरिजिनल रिएक्टेंट्स कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन एक वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करे और ओरिजिनल रिएक्टेंट्स बना दे तो उसे आप क्या कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन रिवर्स डायरेक्शन अंडर द सेम कंडीशन इस कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए यहाँ कंडीशन का मतलब क्या है कि आप यहाँ जो कैटल इस्तेमाल कर रहे हैं वो चेंज ना हो यहाँ पर जो प्रेशर और टेम्परेचर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको चेंज नहीं होना चाहिए कैटलिस्ट क्या है बेटा अ सब्सटेंस दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन को क्या करता है स्पीड अप करता है उसे आप कहते हैं कैटलिस्ट और अगर ये कैटलिस्ट बॉडी के इनसाइड साइड है तो फिर आप उसको बायो कैटलिस्ट या एंजाइम का नाम भी देते हैं लेकिन अगर बॉडी के आउटसाइड साइड है ठीक और किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है वो एक घंटे में हो रहा है और वही सेम रिएक्शन अगर टेन मिनट्स में हो रहा है सो दैट मीन्स ये कैटलिस उसको रिएक्शन को क्या कर रहा है स्पीड अप कर रहा है अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात दैट रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर अंडरगो कंप्लेशन ठीक है इट नेवर अंडरगो कंप्लीशन ये बात आप इसमें याद रख लेंगे कि जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होते क्यों क्योंकि रिएक्टेंट्स आपके पास प्रोडक्ट बनाते हैं प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं देन अगेन प्रोडक्ट्स और ये प्रोसेस चलता रहता है जैसे कि अभी हमने अमोनिया की एग्जाम्पल ली थी जहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर आपके पास क्या बना रहा है अमोनिया बना रहा है यहाँ कोई मिस्टेक है आप यहाँ ठीक कर लें यहाँ पर है टू एन एच थ्री टू मोल्स ऑफ एन एच थ्री यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लें बुक में अगर आपकी बुक में भी ये मिस्टेक है इसी तरह ये फर्स्ट रिएक्शन देखें सल्फर डाई ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ केटलिस विच इज़ वेनीडियम पेंटा ऑक्साइड ठीक है वेनीडियम पेंटा ऑक्साइड ट्रांजिशन मेटल है आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट uh, है तो आपके पास ये इन कंडीशन के थ्रू आपके पास बना रहा है सल्फर ड्राई ऑक्साइड इसी तरह यहाँ पर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस और इ रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हैं जो इंडिकेटेड बाय होंगे सिंगल हेडेड एरो एंड जो कि एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे उसे आप क्या कहेंगे रिवर्सिबल um, रिएक्शन ओके okay, बेटा अब आपने बुक में तो देख लिया है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं और उसके एग्जांपल्स क्या हैं अब आते हैं सलो बेस क्वेश्चन की तरफ कि आपके पास जो कंसेपचुअल क्वेश्चन हैं वो आपसे इस टॉपिक में क्या पूछे जा सकते हैं सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि आपके पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन हैं वो कौन से हैं ठीक है सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है कि डबल हेडेड एरो से जो है आप आइडेंटिफाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल्स आप कहते हैं कि टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूसेस टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ठीक है तो आइडेंटिफिकेशन तो आसान है कि अगर डबल हेडेड एरो है सो दैट मींस इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन और अगर सिंगल हेडेड एरो होगा तो आपके पास वो इिवर्सेबल रिएक्शन है या कंप्लीट रिएक्शन है सेकेंडली आपसे इस टॉपिक में क्या क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप जो है इस रिएक्शन के लिए इस एक्सप्रेशन के लिए जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें या फिर रिवर्स रिएक्शन लिखें ठीक है तो अगर दोनों की डिमांड है तो हम फॉरवर्ड और रिवर्स कैसे लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को इस रिएक्शन को हमने डिवाइड करना है फॉरवर्ड रिएक्शन में और रिवर्स रिएक्शन में तो सबसे पहले इसका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा फॉरवर्ड यही होगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ठीक है लेकिन आप एरोड जो है वो क्या लगाएंगे सिंगल एरोड लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे टू मोल्स एज इट इज इस रिएक्शन को लिख लेंगे सिर्फ एरोड जो है वो आप डायरेक्ट लिखेंगे गिव्स टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एरोड को आपने जो है वो चेंज करना है बाकी एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम रहेगा ठीक है दैट इज योर फॉरवर्ड रिएक्शन अब जाते हैं बेटा रिवर्स रिएक्शन पे रिवर्स रिएक्शन कैसा होगा इसका रिवर्स रिएक्शन या इसे आप बैकवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन इसका क्या होगा फॉर एग्जांपल अब बैकवर्ड रिएक्शन क्या है रिवर्स रिएक्शन क्या है कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तो आप क्या करेंगे जो राइट हैंड साइड पे हैं उसको लेफ्ट पे ले आए और जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उन सब्सटेंसेस uh, को राइट हैंड साइड पे ले आए फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट कौन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो इसको मैं यहाँ ले आई हूँ रिवर्स रिएक्शन में ठीक है टू एन ओ टू रिएक्टेंट्स कौन है आपके पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन उसको आप दूसरे साइड पे ले जाएँ टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वन मोल ऑफ ऑक्सीजन ये हो गया आपका रिवर्स रिएक्शन दैट मीन्स आपने एक रिएक्शन को स्प्लिट अप करना है इन टू फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अच्छा बेटा इसके बाद आ जाते हैं आपकी बुक पे आपकी बुक पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जी पेज नंबर इसके बाद आप आ जाएं अपनी बुक पे विच इज योर पेज नाइन ठीक है पेज नाइन पे आप आ जाएं तो योर सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज ये क्या कह रहे हैं राइट

राइट टू लेफ्ट ठीक है उसके बाद आप आ जाए रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और वहाँ प्रोडक्ट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या है रेट इज़ फास्टेस्ट इन द बिगनिंग एंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड रेट इज़ स्लोएस्ट इन द बिगनिंग और यू कैन से ज़ीरो इन द बिगनिंग और बाद में वो स्पीड अप होता है ठीक है तो ये इसके माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक हैं जो हर एक फॉरवर्ड और रिवर्स के साथ आपने लिखने हैं और उसके साथ आ जाएं आप Okay, बेटा अब हमने ये तो सीख लिया कि आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है ठीक है रिवर्स रिएक्शन क्या है ठीक है उसको कैसे लिखते हैं अब हम ये देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है आपके पास जो इक्विलिब्रियम का टर्म है एंड योर चैप्टर इज होल अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम तो ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम क्या है एक ऐसी स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जहाँ जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही रिवर्स का रेट हो अब इस बात का मतलब क्या हुआ अब इसको ऐसे समझते हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम बॉयलिंग अ लिक्विड ठीक है फॉर एग्जाम्पल वाटर को मैं बॉयल कर रही हूँ ठीक है और उसको मैंने एक कंटेनर में क्या किया है क्लोज किया है ठीक है अब वाटर जो है वो एवोपोरेट होकर ये लिक्विड क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है ये एवोपोरेट होकर कन्वर्ट हो रहा है इनटू द गैशियर स्टेट जिसे आप क्या कह रहे हैं पेपर्स ठीक है अब आपने इस कंटेनर को क्या किया है क्लोज किया है फॉर एग्जांपल दिस इज योर कंटेनर ठीक है यहाँ पे मैंने ले लिए हैं फॉर एग्जांपल फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन चले फॉर एग्जांपल टेन मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए हैं वाटर के ठीक है अब ये एवोपोरेट होकर कन्वर्ट हो रहे हैं इन द वेपर्स स्टेट अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट हो गई आपके पास एक वेपर पर होकर आया दूसरा वेपर तीसरा वेपर फोर्थ वेपर ठीक है अब इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा जब एक बार ये वेपर आ गया है आपके पास अब ये वेपर दोबारा चेंज होगा इन टू द लिक्विड स्टेट दैट मीनस वाटर क्योंकि वहां तो एस्केप होने का कोई रास्ता ही नहीं है द कंटेनर इज क्लोज ठीक है अब कंटेनर क्लोज है तो उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो उसी तरह लूज हो जाएगी और दोबारा यहाँ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कंडेंसेशन का तो यहाँ लिक्विड जिस प्रोसेस से एवपोरेट होकर जा रहा है इनटू वेपर्स तो इसे आप कहते हैं एवोपोरेशन ये आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा हुआ है अब वो उस प्रोसेस से जिससे वेपर कन्वर्ट हो रहा है इनटू द लिक्विड स्टेट इसे आप क्या कह रहे हैं कंडेंसेशन ठीक है अच्छा अब क्या हो रहा है अब ये वेपर्स जो हैं वो दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द लिक्विड और ये लिक्विड भी दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द गैश स्टेट ये प्रोसेस चलता रहेगा दैट मींस जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है दैट मींस एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस रेट पे जिस रेट पे रेट हेयर मीन्स प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम जिस रेट पे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी रेट पर रिवर्स रिएक्शन भी हो सो तो उस स्टेट को आप क्या कहेंगे इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम? दैट मींस एक ऐसी स्टेज आएगी हमने स्टार्ट में कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे टेन तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे दैट मींस इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो यहाँ भी वन टू थ्री फोर फाइव तो एक स्टेट ऐसी आएगी कि जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही वेपर्स के मॉलिक्यूल्स भी हैं तो उस स्टेट को आप क्या कहेंगे कि ये स्टेट क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम सो इन अदर वर्ड्स अ स्टेट इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर आप कहेंगे कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जितने भी हैं वो इक्वल हो जाए मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के कि जितने रिएक्टेंट के मोल है उतने प्रोडक्ट के भी मोल हैं तो उसे आप क्या कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम अगेन वही एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ एंड सो दैट मीन्स कि यहाँ क्या हो रहा है एक ये रिएक्शन चलता जाएगा नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा अमोनिया एंड अमोनिया विल अगेन विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन लेकिन रिएक्शन में एक स्टेट जरूर ऐसा आएगा कि जितना रिएक्टेंट है मिक्सचर में उतना प्रोडक्ट भी हो मतलब जितने इसके मोल्स हैं उतने आपके पास प्रोडक्ट्स के भी मोल हों तो उस स्टेट को आप क्या कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छा इसके लिए आप आ जाए जी बुक पे बुक में देख लेते हैं कि आपकी बुक क्या कह रही है इससे रिलेटेड पेज नंबर एट पे आ जाए अब पेज नंबर एट पे जो है यहाँ देखिएगा पेज नंबर एट पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन ठीक है आपके पास रिएक्शन है जहां सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और सल्फर ट्राईऑक्साइड बना रहा है और ट्राईऑक्साइड इज अगेन कन्वर्टिंग इन टू ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड तो इस ग्राफ के थ्रू ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिएगा टाइम है एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे है आपके पास कंसेंट्रेशन सो दैट मीन्स टाइम के साथ कंसेंट्रेशन बढ़ रही है किस चीज़ की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ रही है एस ओ थ्री इज योर प्रोडक्ट ये चीज़ तो आपको क्लियर है ना दीज टू आर रिएक्टेंट्स एंड एस ओ थ्री इज योर प्रोडक्ट तो यहाँ क्या, क्या कह रहे हैं कि आपके पास स्टार्ट में स्टार्ट में एस ओ टू एंड ओ टू विच मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे तो ग्राफ आपने ऊपर से स्टार्ट किया सो दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड इज इन हायर अमाउंट्स तो इसको आपने ग्राफ के बिल्कुल जो है हाईएस्ट अमाउंट पे लिया है ठीक है ऑक्सीजन भी ज़्यादा अमाउंट में था ठीक है तो उसको भी आपने ज़्यादा पॉइंट पे लिया है लेकिन टाइम के साथ साथ ये दोनों रिएक्टेंट्स कम होंगे और प्रोडक्ट्स बढ़ेगा तो प्रोडक्ट क्या है आपके पास सल्फर डाईऑक्साइड दैट मीन्स रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट और हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें सो दैट मीन स्टार्ट में ये एस ओ थ्री जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होगा वंस द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होंगे आपके पास ये रिएक्टेंट जो है किस में चेंज होता चला जाएगा प्रोडक्ट में एसओ थ्री में अब क्या होगा अब कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा रिएक्शन में जहाँ दोनों की अमाउंट सेम हो जाए दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम हो जाए या जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना रिवर्स रिएक्शन भी हो सो दैट मीन्स यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें इस लाइन पे सो so, ये तीनों लाइन जो है बल्कि यहाँ से जो है ये स्ट्रेट होना स्टार्ट हो गए हैं तकरीबन ठीक है सो दैट मीन्स दिस स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स दैट नाउ द इक्ब्रियम इज़ इस्टिश द स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स दैट नाउ द इक्वलीब्रियम इज़ इस्टिश अब जितना फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना रिवर्स रिएक्शन भी है और आपके पास ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कर रही है देर इज नो चेंज बट एक्चुअली यू नो द रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन

सो दैट मीन्स यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है ये इंडिकेट कर रही है दैट नाउ द केमिकल इक्वलीबियम इज एस्टेब्लिश्ड केमिकल इक्वलीबियम को आप डायनेमिक इक्वलीब्रियम भी कहते हैं ठीक है क्योंकि बिकॉज इट इज अ वेरी वास्ट सिस्टम सिर्फ एक रिएक्शन के लिए दो रिएक्शन के लिए नहीं बल्कि ये सब रिएक्शन पे अप्लाई हो रहा है ठीक है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्विलिब्रियम पोजिशन के बाद भी रिएक्ट करते रहेंगे लेकिन कोई नेट चेंज नहीं आएगा इसलिए ग्राफ पे जो है आपके पास स्ट्रेट लाइन है आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा नेक्स्ट आ जाए कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है पेज नंबर नाइन पे ठीक है कह रहे हैं राइटिंग द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आप लिख सकते हैं ठीक है ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है इसके लिए आप फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें और रिवर्स मिस्टेक है है डबल डबल हेडेड हेडेड एरो एरो कर दें ठीक सो दिस इज ये आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन है इसके लिए आपने फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है और रिवर्स रिएक्शन लिखना है फॉरवर्ड बिल्कुल सेम चलेगा एरो हेड को सिंगल कर दें रिवर्स में क्या होगा जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके क्या बन जाएगा रिएक्टेंट बन जाएगा और जो रिएक्टेंट है वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और एरोहेड लगा दें आप इसके साथ इज दिस क्लियर बेटा ओके फाइन